सो राम राम भाई सभी को। आज हम दोबारा खेलने वाले एक हॉरर गेम जिसका नाम है ईविल डॉल, और इसका नाम हमने कुछ और भी रखा है, इसका नाम रखा है हमने ईविल बॉल। तो चलो इस गेम को शुरू करते हैं और देखते हैं इस गेम में है क्या। अभी फिलहाल ना इसके गेम की एंट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होने वाली है। इस गेम में भी जो है ना ग्रैनी जैसे डेज चलते हैं और देखते हैं अब गेम। भाई शुरुआत में ही देखो हमारे सामने जो रूम है और जिस रूम में हमें रखा हुआ है उसमें हमारा ही खून लगा हुआ है। अरे भोसड़ी को गांड फट गई। भाई चलो अब इस रूम से बाहर निकलने का रास्ता देखते हैं। यहाँ हाँ ये रहा डोर भी मिल गया। अभी फिलहाल देखते हैं इसके भाई बच गए, इसमें कुछ डेंजरस नहीं आया हमारे सामने। हाँ अभी ना ये सीढ़ी है, सीढ़ी से मैं नीचे तो जा सकता हूँ। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। मगर क्यों? और यहाँ पे एक और डोर दिया हुआ है। डोर के अंदर ये इसका बेडरूम। भाई बेडरूम में नीचे घड़ी रखी हुई है और ये उसकी लाइब्रेरी की बुक स्टोर रखा है ना। तो चलो देखते हैं ये वाला डोर। हाँ ये भाई वॉशरूम देखो इसका एक बार। वॉशरूम इसका कितना ज्यादा गंदा हो रखा है यार। भाई तू साफ क्यों नहीं करता है? अच्छा और ये क्या, यहाँ पे कुछ मिलेगा? नहीं यहाँ पे भी कुछ नहीं है। और यहाँ पे ये डोर है। ये भाई पलंग उल्टा क्यों रखा है? पलंग कुछ सीधा कर दे, मैं सीधा कर सकता हूँ। नहीं ये क्या है, ये कुछ टुकड़ा है, पीस ऑफ पेपर, पोस्टर का पीस है। तो चलो ये पोस्टर के पीस को उठा लेते हैं और अब देखते हैं ये पोस्टर का पीस लगेगा कहाँ। पोस्टर का पीस, भाई कुछ गड़बड़ बोल दिया क्या? नहीं ड्राइंग पेपर। चलो ठीक है देखेंगे अब जो भी है। जगह ही नहीं मिल रही भाई, कहाँ चलेगी वो जगह जहाँ ये पीस और पेपर लगेगा। और ये क्या रखा है, वॉशिंग मशीन के अंदर कुछ? इसको डाल दूँ वॉशिंग मशीन के अंदर? नहीं भाई अगर घुल गया तो। और ये यहाँ पे शॉवल रखा हुआ है, तो शॉवल को ले चलते हैं यहाँ से कहाँ, अब देखते हैं कहाँ। अभी टाइम हो रहा है भाई 3:30 बज रहे हैं, 3:30 तो बज रहा है। और यहाँ पे ये क्या है, वुडन पैनल है। तो चलो इसके अंदर चलते हैं, इस वुडन पैनल के अंदर, और देखते हैं हमारा कहाँ जाने का रास्ता खुलता है इस बार। इसके अंदर तो एकदम कुछ भी, पूरा अंधेरा है इसके अंदर। और ये क्या है यहाँ पे, ये वुडन, भाई वुडन पैनल को हटाया नहीं मैंने और मैं क्या बोले जा रहा हूँ। और अभी वुडन पैनल यहाँ पे, ये मैं यहाँ कहाँ पे निकल गया, ये कौन से अंकल हैं? तो चलो इन अंकल को अभी साइड में रखते हैं। और ये है उसका किचन सामने, और लगता है वो डॉल आ रही है यहीं पर मेरे को भाई। और ये उसकी छोटी क्लॉक के साथ एक बड़ी क्लॉक भी रखा हुआ है, तो बड़ी क्लॉक से तो हमें टाइम देखने को समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे है कुछ, पूरा गेम जो है ना वो एकदम ग्रैनी की जैसा है। इसमें भी हमें कुछ ना कुछ चीज़ें ढूंढनी पड़ रही हैं। और यहाँ पे ये लाइटर मिला हुआ है, तो चलो लाइटर को ले चलते। लाइटर तो बड़ा अच्छा रखा है इधर पे, और इसको अभी मैंने फ़िलहाल इधर ही पे ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे ये खोलेंगे? नहीं ये भी नहीं खोल रहा है। और फ्रिज में कुछ रखा है क्या? नहीं फ्रिज भी खाली है। भाई खाता पीता नहीं है क्या ये? मेरे को तो नहीं लग रहा खाता है। तो चलो अभी यहाँ से चलते हैं। यहाँ से मैं अभी कहाँ आ चुका हूँ? और यहाँ ये ड्रॉर में, नहीं ये ड्रॉर में भी कुछ नहीं रखा हुआ है। और ये वाली, हाँ ये यहाँ पे क्या, फ्यूज़ मिल गया है, तो फ्यूज़ का तो कोई काम नहीं है। हाँ तो चलो अभी लाइटर ही ले रखता हूँ। और ये ड्रॉर में भी कुछ नहीं है, और अभी फ़िलहाल नहीं अंकल को छोड़। हाँ ये रही वो जगह है, लेकिन मैं तो पीस ऑफ पेपर छोड़ कर आ गया। तो चलो फटाफट से चलते ऊपर और उसको लेकर आते हैं यहाँ पे। One hour later. ये घड़ी है, तो इधर ही कहीं है वॉशरूम। हाँ ये रहा इसका वॉशरूम। तो चलो इसको लेके चलते हैं और वहाँ पे लगाते हैं, इंसर्ट करते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ पे कौन सी चीज़ रखी हुई है। और लाइटर भी मैंने इधर ही पे छोड़ा, तो चलो लाइटर की भी प्लेस मुझे याद है और मेरे को शॉवल की भी याद है। हाँ तो इन दोनों को अभी हटाते और चलते हैं वापस उधर नीचे, और नीचे लगाते हैं अपने ये वाला पोस्टर का पीस और देखते हैं क्या हमें हिंट मिलती है। अभी मेरे को और भी चाहिए। और यहाँ पे ये क्या रखी है, स्मॉल चेस्ट की, ये की कहाँ पे लगेगी अभी ये चेस्ट की? और ये कौन है भाई, ग्रैनी का भैया? ईविल डॉल की फ़ोटो है लगता है ये मेरे को। तो अभी ना यहाँ पे कुछ है? नहीं यहाँ पे भी कुछ नहीं है। और ये यहाँ, नहीं यहाँ पे है, रास्ता ही गायब हो गया यहाँ का तो जाने का। ना मेरे को लगता है अभी यहाँ से मैं भूल वापस आ गया गाइस, घूम फिर के वापस वहीं आ गया, पता नहीं कहाँ जाना है अब मेरे को। और ये रही गाइस एक और, ये है हमारी, कौन है, ग्रैनी की छोटी बहन ईविलन। हाँ शायद तक ये ईविलन है। और ये रहा उसका जादुई कमरा है ना, डेमोनिक वॉल। भाई ये वॉल है क्या है पता नहीं, मैं यहाँ ये बैरियर लगा हुआ इसके अंदर तो मैं जा नहीं सकता। और यहाँ पे एक और छोटा रास्ता दिया, छोटा रास्ता ये ऊपर जा रहा है कि सीधे जा रहा है, कुछ समझ तो आ नहीं रहा है। तो चलो देखते हैं इसी रास्ते से जाके। अभी ना फिलहाल मैं इससे जा सकता हूँ, हाँ यहाँ से और आगे जा सकता हूँ। देखते अब और आगे जाने से मैं कहाँ पर निकलता हूँ, शायद मैं वापस उधर पर ना आ जाऊँ। तो चलो अभी फटाफट से चलते हैं। हाँ भाई ये कौन सा रूम में आ गया मैं? और ये रहा मेरे को एक और पोस्टर का पीस मिल गया, लेकिन ये क्या है,
ये कैंडल है, कैंडल की तो मेरे को ज़रूरत नहीं। और यहाँ पे एक बैरियर लगा हुआ है जिसको मेरे को तोड़ना है और इसके अंदर जाना है। तो चलो फटाफट से वापस चलते हैं और ये वाला भी पोस्टर का पीस लगाते हैं उधर पे, और फिर देखते हैं हमें कितने और पोस्टर के पीसेस चाहिए हैं। अभी ना यहाँ पे भी कुछ नहीं है, और यहाँ पे मिलेगा आई थिंक, नहीं यहाँ पे भी कुछ नहीं है। कहाँ गया यार, पोस्टर लगाने वाला ही गायब हो गया। और फिलहाल मैं वापस, और ये रहा उसका एक लौता प्यारा सा गार्डन। तो गार्डन नहीं भाई, उधर सिंगल एक सिंगल पीस लगा है पेड़ का। तो चलो अभी मैं आ गया घूम फिर के वापस वहीं, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ हाँ, ये वाला भी पोस्टर का पीस लगा दिया है। इसके आगे की वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आप पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके आज से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।